गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारे लेसन 8 वाटर अराउंड अस की जंप स्टार्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। कल मैं आपको इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग सेंड करूँगी। ओके, लेसन 8 है बेटा वाटर अराउंड अस। हमारे जो आसपास पानी होता है बेटा, उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि हमारे आसपास पानी के कौन कौन से सोर्सेज हैं, स्रोत हैं, हम पानी को बेटा कहाँ से प्राप्त करते हैं और वाटर कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, पानी का बचाव क्यों ज़रूरी है। इसने बताया बेटा, द अर्थ इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। हम हमारी अर्थ को क्या बोलते हैं बेटा, ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। रीज़न क्या है ब्लू प्लैनेट बोलने का, क्योंकि जो हमारी अर्थ है बेटा, उसका जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन इट सरफेस, क्योंकि हमारी अर्थ पे बेटा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी मौजूद है। वाटर इज़ ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ पानी है बेटा, झीलों में है, तालाबों में है, रिवर्स के अंदर है, स्ट्रीम्स के अंदर है, सी के अंदर है, ओशियंस के अंदर, ठीक है। हाउएवर द वाटर कैन गेट डिफ्लेक्टेड इफ़ यू डोंट कंजर्व इट। बट क्या है बेटा, पानी का हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमारे आसपास पानी बहुत है, बट हमें क्या करना चाहिए, हमेशा उसको कंजर्व करके रखना चाहिए, उसको संरक्षित करके रखना चाहिए। अगर हम उसको संरक्षण नहीं देंगे तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो बेटा पानी तो बहुत है, हमारी 70% अर्थ के ऊपर वाटर प्रेजेंट है, बट जो पीने लायक पानी है बेटा, उसकी जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा लो है, 0.1% के करीब हमारा जो पानी है जिसे हम इजीली ड्रिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें पानी को सेव करना चाहिए। जम स्टार्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है बेटा, नेम एनी टू सोर्सेज ऑफ वाटर। हमें बेटा पानी के कोई भी दो सोर्स के नाम लिखने थे, तो मैंने यहाँ पे लेक एंड रिवर लिखा है। आप बेटा पॉन्ड भी लिख सकते हो, सी भी लिख सकते हो, ओशन भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद बेटा राइट एनी थ्री यूजेज ऑफ वाटर, हमें पानी के तीन यूजेज के बारे में बताना है। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, हमें बेटा पीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। वी नीड वाटर फॉर कुकिंग, हमें खाना बनाने में पानी की ज़रूरत होती है। वी नीड वाटर टू ग्रो प्लांट्स, हमें पेड़ पौधे उगाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है। उसके बाद पूछा है बेटा, राइट एनी थ्री वेज टू सेव वाटर, हमें बेटा कोई भी दो सॉरी टू वेज हैं, दो तरीके बताने हैं जिस तरीके से हमें क्या कर सकते हैं, पानी की बचत कर सकते हैं। पहला है बेटा, यूज़ ए बकेट एंड अ मग टू टेक बाथ। अगर हम बेटा नहा रहे हैं तो हमें बाल्टी एंड मग का बकेट और मग का यूज़ करना चाहिए, बाल्टी और मग का यूज़ करना चाहिए। क्यों, अगर हम बेटा शावर लेते हैं तो शावर में जो पानी है बेटा उसकी वेस्टेज ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बजाय अगर हम बकेट और मग का यूज़ करते हैं तो बेटा हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ करते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, पानी को सेव कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड तरीका है बेटा आपका, यूज़ ए बाउल टू वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल। अगर हमें हमारी फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को बेटा वॉश करना है, धोना है, तो हमें एक बाउल का यूज़ करना चाहिए। रीज़न क्या है इसका, जैसे ही हम हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल को बेटा वॉश कर लेंगे तो जो रिमेनिंग वाटर बचता है आपका, जो बचा हुआ पानी है, उसे आप बेटा इजीली क्या कर सकते हो, प्लांट्स के अंदर दे सकते हो, ठीक है। और उसके कंपैरिजन में अगर आप डायरेक्ट टैप के नीचे या फिर नलके के नीचे अगर अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल को वॉश करते हो बेटा, तो पानी की वेस्टेज होती है, ठीक है। उस पानी को आप रीयूज़ नहीं कर सकते, दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो आपकी जंप स्टार्ट एक्सरसाइज थी, कल मैं आपको इसके वर्ड मीनिंग सेंड कर दूँगी। ओके, थैंक यू।